ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କାଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା। 32 ବର୍ଷ ପରେ କାଶ୍ମୀରର ଜନତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମନୋରଞ୍ଜନର ଆଜାଦି। 3 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପରଦାରେ ସିନେମା ଦେଖିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଛି, ତାହା ପୁଣି ନିଜ ମାଟିରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଖୋଲିଛି କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରଥମ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ। ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। और मुझे लगता है कि यहाँ के नागरिकों को भी मैं बधाई देता हूँ कि आज से वो उन चीजों को देख सकेंगे जिसकी तमन्ना बहुत दिन से पाले हुए थी। मित्रों, 1895 में जब पहली बार लूमियर ब्रदर्स ने 50 सेकंड की फिल्म थिएटर में दिखाई थी, तभी से लाखों लोगों ने समय समय पर सिनेमा को अपने तरीके से डिजाइन किया है। मैं मानता हूं कि जिस घटना को, जिस इवेंट को देखते हुए वहां मौजूद लोगों के दिल एक साथ और एक फीलिंग के साथ धड़कने लगे, वही सिनेमा है। श्रीनगर सिपोरा स्थित ही आईनॉक्स मल्टीप्लेक्स रे प्रथम दिन रे स्क्रीनिंग हुई छी आमिर खान का फिल्म लाल सिंह चड्ढा। अक्टूबर 1 रु साधारण दर्शकंक पाई खोलिबो ही मल्टीप्लेक्स। एथिरे 3टि स्क्रीन रहिछि जेउथिरे एक संगरे 520 दर्शक सिनेमा उपभोग करि पारिबे। मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता सर, इतनी खुशी हो रही है। ये एक प्रोजेक्ट ऑफ पैशन था और जब वो कंप्लीट होता है सर, उसकी खुशी सर शायद मेरा चेहरा कभी नहीं बता पाएगा। रियली मेरे पास लफ्ज़ नहीं है सर, बहुत खुशी हो रही है। एवरीथिंग इज 100% कम्प्लीट, टेस्टिंग भी हो गई है। ऑल दो अब LG साहब के बाद हम यहाँ पे स्पेशल स्क्रीनिंग लाल सिंह चड्ढा की करेंगे। कश्मीर घाटी में गुज़श्ता 32 वर्षों के दौरान जो थिएटर सिनेमा क्लोज कर दिए गए हैं, उसकी वापसी इस मिनी थिएटर से शुरुआत की जा सकती है। और जो दावा किया जाता है कि यहाँ न सिर्फ आपको मूवी बल्कि एंटरटेनमेंट का जरिया होगा। यहाँ पूर्व रविवार दक्षिण काश्मीर सोपियान और पुलवामा रे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सिनेमा हॉल उद्घाटन करिथिले। प्रथम दिन रे स्थानीय युवक युवती उत्साह सह फिल्म देखिथिले। विशेष करी काश्मीर युवतींक मध्यरे सिनेमा हॉल रे फिल्म देखिबा नै प्रबल आग्रह देखिबा को मिलिछि। मनोरंजन रा आजादी मिलिबार खुशी सेमानक आखिरे स्पष्ट बारी होइछि। के रिलेटेड हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स को या फिर किसी भी बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलने वाला है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे पहली बार सिनेमा खुलने वाला है एंड एवरीबॉडी इज़ रियली हैप्पी अबाउट इट। तो क्या महसूस करें कि फर्स्ट टाइम हुआ यहाँ पे, तो क्या लाभ मिलेगा इससे आपको? इससे बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा, जैसे कि बाकी हर एक जगह पे सिनेमा प्रेजेंट है बट यहाँ पे नहीं था, तो अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। सब लोग एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए भी बहुत अच्छा है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। स्वर्गठू सुंदर जो काश्मीर घाटी मनोरम दृश्य को तोली धरी अगणित सिनेमा दर्शकों को बांधि रखिबारे सफल होइछि। सही काश्मीर घाटी लोके किंतु 3 दशंधि धरी सिनेमा हॉल रे सिनेमा देखि पारु नथिले। 90 दशक रे जेतेबेले आतंकवाद काश्मीर घाटी रे पाद थापिला, सिनेमा हॉल भी आतंकर प्रभाव रे बंद होई चलिला। 1980 बेलकु घाटी रे डजने रु अधिक सिंगल स्क्रीन थिएटर थिला। आतंकवादी संगठन रु धमक मिलिबा परे मालिक माने हॉल बंद करि दिले। 90 दशक रे शेष भाग रे किछि सिनेमा हॉल कु पुणी थरे खोलिबा कु प्रयास करा जाइथिला। तेबे सेप्टेम्बर 1999 रे लाल चौक रे रिगल सिनेमा उपरे होइथिबा ग्रेनेड आक्रमण एही प्रयास कु विफल करि दैथिला। काश्मीरवासीक जीवनर आतंकवाद जो मनोरंजन रा आजादी छड़ाई देइथिला, एबे देश सही आजादी काश्मीरवासी को फेराई देछि। आउ एथर काश्मीर घाटी रे सिनेमा को आतंकर नजर जेपरी न लगे सेथिपाई सरकार और सुरक्षाकर्मी संपूर्ण सजाग अछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।